Hello friends, welcome back to our channel Dental Maestro. So today's topic is know about the syringe. The syringe we use in our dental practice or whatever, बहुत जगह पे हम syringe use करते हैं, तो हमें syringe के parts पता होने चाहिए, syringe के uses पता होने चाहिए, कब कौन सी use करनी है, तो हमें थोड़ा idea होना चाहिए. So I am having syringe, this is another and this is another. So this is called the dental syringe. तो मैं आपको सारी syringes के बारे में बताऊंगी. तो ये हमारी एक normal एक syringe है, ठीक है. ये भी हमारी 5 ml की है, लेकिन ठीक है, वो तो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ज़रूरत है कौन सी नहीं है. तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कवर. दिस इज अ नीडल, दिस इज अ सिरिंज, ठीक है. तो जो ये पार्ट होता है हमारा, जो ये, इसको हम बैरल बोलते हैं, एंड दिस इज प्लंगर, जिसे हम सिरिंज को फिल करते हैं या फिर हमें डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है. ये हो गया आपका नीडल अडेप्टर, ये हो गया आपका निडल हब. जो निडल हब जो है, निडल अडेप्टर पे जाकर लग जाता है. एंड दिस इज शाफ्ट ऑफ द निडल एंड दिस इज बेबल, जो कि हम प्रिक करते हैं, ठीक है. तो ये हमारी निडल के सिरिंज के पार्ट्स हुए. नेक्स्ट हमारी रही ये इंसुलिन सिरिंज, स्मॉल सिरिंज वी कैन से. बच्चों में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, हमें कम क्वान्टिटी यूज करनी है तो वी कैन डू दिस. एंड इसकी क्या होता है, इसका निडल जो है बहुत छोटी होती है, तो ये सबक्यूटेनियसली हम इसको यूज करते हैं. Now the next one is this, ठीक है. इसमें भी सेम ऐसे ही, दिस इज निडल अडेप्टर. इसके नीचे जो है वो निडल हब हो गया, या कि शाफ्ट हो गई, ये वेबल हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे करके इसकी बाइल निकाल सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हार्पून, ठीक है, पिस्टन विथ हार्पून. और ये आ गया आपका थंब रिंग, ठीक है, और जिससे हम इसको होल्ड करते हैं, ये स्पून फिंगर ग्रिप. तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे निडल के पार्ट्स. इसको हम ऐसे करके आराम से लगा पाते हैं. तो ये हमारी निडल रेडी हो गई, ये हो गई आपकी प्रोटेक्टिव कप. सो हम निडल कप कब यूज करते हैं, टू एडमिनिस्टर मेडिसिंस, है ना, इंट्रावेनियस कोई भी थेरेपी करनी है, IM आपको इंजेक्शन देना है, या फिर हमें आपकी बॉडी से फ्लूइड विड्रॉ करना है ना, कहीं पे भी एब्सेस हो गई है, हमें विड्रॉ करना है, या फिर ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड लेना है. तो इन सब कंडीशंस में हम सिरिंज यूज़ करते हैं. और रहा बात कि हम एक सिरिंज यूज़ करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसकी निडल डिस्कार्ड कर देते हैं प्रॉपरली वी कैन से, ताकि हमारा जो क्रॉस कंटामिनेशन है वो ना हो, एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट पे ना जाए, ठीक है. कोई भी हमें मेडिसिन इंजेक्ट करनी है, तो हम इन सब कामों के लिए हम सिरिंज यूज़ करते हैं. तो इनकी जो मार्किंग्स होती हैं, ये हमें इसकी क्वांटिटी शो करती है कि हमें कितना इसमें फ्लूइड या जो भी मेडिसिन हमें इसमें फिल करके रखनी है. तो जो निडल्स होती हैं, ये निडल्स भी अलग अलग गेजेस में आती हैं, ठीक है. तो जितना ज़्यादा गेज होगा उतनी वो थिन होगी. तो हम ऐसे, इसमें बहुत सारे गेजेस आते हैं, 19, 20, 21, 22, 25, 26. जो गेज होता है वो हमारा इसकी लेंथ और इसकी जो डायमीटर है उससे कैलकुलेट होता है. तो अभी तो हम ज़्यादा नहीं जानते, तो हमें इसको लर्न करना पड़ेगा कि जैसे 26 गेज है, यदि इसका हमारा जो निडल अडेप्टर है, यदि ये ब्राउन कलर्ड है, तो वी कैन से कि ये 26 गेज है. ऑरेंज है 25, ब्लैक है 22, ग्रीन है 21, येलो है 20, क्रीम है 19, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ हमें कलर कोडिंग दी हुई, ताकि हम देखने से ही गेस कर सकते हैं कि इसकी गेज क्या है. तो ये भी मेरे हाथ में 22 गेज है, ठीक है. तो आपको आई होप समझ में आया होगा सिरिंज के बारे में. इफ एनी क्वेरी, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.